नमस्कार मित्रों, मित्रों कैसे हो आप। मित्रों आज आप सीखेंगे भाग एक विषय गणित कक्षा 10 अभ्यास मित्रों 2.3। मित्रों आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर पहला है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न को पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर शेषफल तथा भागफल ज्ञात कीजिए। मित्रों क्या मित्रों, शेषफल तथा भागफल ज्ञात कीजिए। मित्रों तो हमसे शेषफल भागफल निकलवा रहा है मित्रों, तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। जैसे मित्रों यहाँ पर पी एक्स बराबर इतना दिया है मित्रों, जी एक्स बराबर ये दिया मित्रों, तो मैंने हल ही लिखा मित्रों पी एक्स भाग का चिन्ह दे दिया जी एक्स। तो मित्रों यहाँ पे भी मैंने सेम वही करा, पी एक्स के स्थान पर पी एक्स रख दिया मैंने यहाँ से देख करके मित्रों, और जी एक्स बराबर ये है तो मैंने जी एक्स के स्थान पर मित्रों ये लिख दिया मित्रों। सेम मित्रों ऊपर से ही देख करके मैंने ये लिख दिया मित्रों, यहाँ पे ये दिया तो मित्रों यहाँ पे मैंने ये छाप दिया, और यहाँ से मित्रों ये जी एक्स दिया तो मित्रों यहाँ से ये छापने के बाद में मैंने जी एक्स के स्थान पर ये छाप दिया मित्रों। ठीक मित्रों, अब मैं मित्रों इसे इस रूप में लिख लेता हूँ मित्रों, इसे इस तरीका से भी लिख सकते हैं, एक्स की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3, तो मित्रों भाग एक्स स्क्वायर माइनस के 2। ठीक मित्रों, ये इस तरीका से नहीं लिख सकते मित्रों, ये लिख सकते हैं, ये तो हमने ऊपर लिख दिया था मित्रों, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इस तरीका से भी लिख सकते हैं मित्रों। तो मित्रों ये नीचे है मित्रों, इसे इस रूप में लिख लेते हैं आपके, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 भाग यहाँ पर एक्स के हाथ 3 माइनस के कितना मित्रों, यहाँ से 3x स्क्वायर और प्लस के 5x और माइनस के 3 मित्रों, यहाँ से ये। ठीक मित्रों, अब देखिए मित्रों जो चीज़ ऊपर है मित्रों ऊपर ही लिखी जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं x की घात 3 को मैंने इस तरीके से लिखा, तो मैं x गुणा x इस तरीके से लिख दिया मित्रों। अब ये मित्रों नीचे है तो नीचे के फैक्टर नीचे करेंगे हम मित्रों, जैसे ये दिया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो इसे दो जगह लिख देंगे मित्रों, यहाँ से x गुणा x ये गया मित्रों, यहाँ से ये गया, तो यहाँ पर सिंगल बचा मित्रों, तो यहाँ पर ये x बचा, यहाँ पर छाप दिया मैंने मित्रों। अब मैं इसकी और इसकी गुणा कर लेता हूँ मित्रों, तो दो ये है मित्रों, यहाँ पे इसकी एक पावर मानी जाती है मित्रों, दो और एक कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी होगी मित्रों, 3 हो गई मित्रों, इन दोनों गुणा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मित्रों माइनस है, इस माइनस की इसकी गुणा इसके साथ में कर लेंगे, तो माइनस के कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर 2x। ठीक मित्रों, अब ये मित्रों यहाँ पर प्लस लगाएंगे अपनी तरफ से मित्रों, यदि यहाँ प्लस होता तो मैं माइनस छाप देता, तो मित्रों यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस मानते हैं, ये कट गया मित्रों। यहाँ से मित्रों देखिए ये किसके साथ मैच कर रहा मित्रों, ये पावर 2 में है मित्रों, ये सिंगल पावर में, तो मित्रों ये इसके साथ मैच करेगा मित्रों, ये इसके सम्मुख का होगा मित्रों, तो यहाँ से माइनस के 3x स्क्वायर कोई नहीं है इसके सम्मुख का, और ये कितना मित्रों यहाँ से, अब ये देखिए मित्रों यहाँ से ये प्लस के 5x है और ये भी प्लस के 2x है, तो ये कितने होंगे मित्रों, 5 नहीं मित्रों, 2 ये है और 5 ये, तो मित्रों कितने हो गए, ये 7x हो गए मित्रों, कितने मित्रों 7x, माइनस के 3 वैसे ही मित्रों। अभी मित्रों यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा मित्रों, यहाँ मिलने लिख देता हूँ यहाँ पर 3x स्क्वायर, तो मित्रों यहाँ को ऐसे लिख लेंगे हम माइनस के 3x गुणा 3 ये x, तो मित्रों यहाँ पर x स्क्वायर ये वाला मित्रों ये नीचे, तो नीचे ही लिखा जाएगा मित्रों, यहाँ पर मित्रों x गुणा x इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मित्रों दो चीज़ से ये दो गए मित्रों, तो यहाँ पर माइनस के 3 बच गए मित्रों, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देख लीजिए मित्रों आपको ये वाला मित्रों, ये माइनस के 3 बच गया ऊपर से ये वाला मित्रों, सिंगल एक्स एक्स गया, ये वाला भी गया, ये वाला गया मित्रों, तो यहाँ से ये 3 बचा ये वाला ऊपर से, तो मैं मित्रों इस वाले को ऊपर ही छाप देता हूँ, ये चिन्ह सही थे मित्रों, यहाँ से माइनस के 3 ये वाला, तो मित्रों अब इन दोनों के आपस में हम गुणा कर लेते हैं, तो मित्रों तो यहाँ से माइनस के कितना जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर ये, और माइनस माइनस क्या होगा मित्रों, ये प्लस होगा मित्रों, तो 3 दुनिया कितने होगा मित्रों, ये 6। अब मित्रों ये माइनस है और ये प्लस, तो मित्रों ये तो गया, अब मित्रों यहाँ से मित्रों ये माइनस के कितना हो जाएगा मित्रों, माइनस के 9 हो जाएगा, 6 और 3 कितना होगा मित्रों, 9, और ये प्लस के 7x वैसा का वैसे मित्रों। तो मित्रों ये शेषफल तुम्हारा शेषफल हो जाएगा मित्रों, ये शेष फल बराबर ये जाएगा, और भागफल मित्रों तुम्हारा ये जाएगा भागफल। ठीक मित्रों, इसे यहाँ पर भी लिख सकते हो अलग, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मित्रों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मित्रों। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।